ये व्हाइट पाउडर फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है। ये है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वन ऑफ द सेफ एंड इफेक्टिव सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। सो आज की वीडियो में देखते हैं क्रिएटिन क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है और इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देकर जाना। सो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज क्रिएटिन? क्रिएटिन एक नेचुरल मॉलिक्यूल है जिसे हमारे बॉडी खुद से बनाता है। तीन अमीनो एसिड को यूज़ करके बनाता है, ग्लाइसिन, आर्जिनाइन एंड मिथियोनाइन। एंड इसे एटीपी बनाने के लिए यूज़ करता है। एटीपी एक स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी है जिसे हमारे बॉडी इंटेंसिव वर्कआउट लाइक स्प्रिंटिंग एंड वेट लिफ्टिंग करते वक्त यूज़ करता है। एटीपी के फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइपोस्फेट, एंड जिसे हमारे बॉडी बाद में एडिनोसिन डाइपोस्फेट में कन्वर्ट करके उसे एनर्जी के लिए यूज़ करता है। तो एटीपी हमारे बॉडी में मसल में स्टोर होता है, एंड जब भी मसल में एटीपी स्टोर होता है तो उसके साथ वाटर को वो पुल कर लेता है एंड उससे हमारा मसल साइज भी इंक्रीज होता है। एंड बॉडी में 95% एटीपी मसल में स्टोर होता है, बचा हुआ 5% आपकी ब्रेन में स्टोर होता है। तो स्टडी से ये भी पता चला है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करने के बाद ब्रेन फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। सो क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो सच में काम करता है। मैं भी क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 साल से, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो देखते हैं क्रिएटिन की क्या क्या बेनिफिट्स है। क्रिएटिन लेने के बाद आपकी स्ट्रेंथ पे इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपकी मसल फुलर दिखेंगे एंड ऑल्सो आप जिम में ज़्यादा रेप्स भी कर सकते हो। क्रिएटिन आपके बॉडी में मसल में स्टोर होता है, जब भी ये मसल में स्टोर होता है तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को भी खींच लेता है एंड जिससे आपकी मसल्स की साइज इंक्रीज होता है एंड आपको एक फुलर लुक देखने मिलेगा। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करने के बाद आपके मसल में क्रिएटिन के लेवल अप टू 30% तक बढ़ जाता है जिससे आपकी मसल साइज इंक्रीज होता है एंड ऑल्सो इससे आप जिम में ज़्यादा वेट भी लिफ्ट कर सकते हो क्योंकि एटीपी आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, आपको एक्स्ट्रा 1 रेप करने के लिए मदद करता है। क्रिएटिन नॉनवेज फूड में भी पाया जाता है, फिश, चिकन एंड रेड मीट में, पर उनसे क्रिएटिन की रियल परफॉर्मेंस बेनिफिट देखने के लिए कितना क्रिएटिन चाहिए उतना क्रिएटिन नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इसकी सप्लीमेंटेशन करते हैं। मैं खुद क्रिएटिन को लास्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिले। तो देखते हैं इसकी क्या क्या बेनिफिट है करके। क्रिएटिन लेने के बाद आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा जिससे आपके जिम में परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है एंड ऑल्सो आपकी मसल साइज भी बढ़ेगा क्योंकि क्रिएटिन जब भी मसल में स्टोर होता है तो उसके साथ वाटर को भी पुल कर लेता है जिससे आपकी मसल में एक फुलर लुक आता है। स्टडीज से ये भी पाया गया है कि क्रिएटिन लेने के बाद ब्रेन फंक्शन भी बढ़ता है क्योंकि क्रिएटिन 95% मसल में स्टोर होता है और बचा हुआ 5% आपकी ब्रेन में स्टोर होता है जिससे आपको ब्रेन फंक्शन में भी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करने के बाद। हाउ टू कंज्यूम क्रिएटिन? क्रिएटिन को कंज्यूम करने की 2 तरीका है, एक है लोडिंग फेज और एक है नॉन लोडिंग फेज। लोडिंग फेज में आपको 20 ग्राम क्रिएटिन डेली 7 डेज तक यूज करना है जिससे आपकी मसल में क्रिएटिन की सैचुरेशन जल्दी हो जाता है। उसके बाद आपको डेली 3 to 5 ग्राम लेना रहता है। और एक मेथड है नॉन लोडिंग जिससे आपको 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लेना रहता है। इस मेथड में आपको रिजल्ट देखने के लिए 3 to 4 वीक्स लग सकता है। मैं आपको नॉन लोडिंग मेथड ही सजेस्ट करता हूँ क्योंकि लोडिंग फेज में कभी कभी स्टमक में प्रॉब्लम होता है एंड ऑल्सो डिहाइड्रेशन के भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये दोनों मेथड से आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है, तो आपको ये लोडिंग मेथड से अच्छा है नॉन लोडिंग। मैं खुद नॉन लोडिंग मेथड ही फॉलो करता हूँ, डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन यूज करता हूँ। मैं क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में यूज करता हूँ क्योंकि क्रिएटिन एक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला सप्लीमेंट नहीं है। आप क्रिएटिन को कब और कैसे लेते हो ये मैटर नहीं करता है, इतना ही मैटर करता है कि आप डेली क्रिएटिन ले रहे हो कि नहीं। क्योंकि आप 1 वीक क्रिएटिन बर्न करोगे तो आपकी मसल में क्रिएटिन की सैचुरेशन लेवल कम होगा एंड आपकी मसल मास एंड स्ट्रेंथ में चेंजेस दिखने लगेगा सिर्फ 1 वीक में, इसलिए आपको क्रिएटिन को डेली लेना है एंड आपको सैचुरेशन लेवल को मेंटेन करना है। तो लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन? क्रिएटिन लेने के बाद किसी किसी को क्रैम्स हो सकता है क्योंकि उन लोग की वाटर इनटेक कम रहता है, इसलिए आपको क्रिएटिन लेने के बाद अगर आप जरूरत से कम पानी पी रहे हो तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना होगा। अगर आपका वाटर इनटेक नॉर्मल है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी लोग कम पानी पीते हैं सिर्फ उनको ही ये प्रॉब्लम आता है, हर किसी को नहीं आता है क्योंकि मुझे कभी भी क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है क्या? क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता है क्योंकि मैं खुद 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा हेयर देख सकते हो आप, अभी तक कोई भी हेयर फॉल की इश्यूज नहीं हुआ है। अगर आपकी जेनेटिक्स में ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो क्रिएटिन लेने के बाद हो सकता है थोड़ा सा आपकी हेयर फॉल बढ़ जाए क्योंकि स्टडीज में पाया गया है कि क्रिएटिन लेने के बाद डीएचटी लेवल बढ़ जाता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो आपकी हेयर लॉस को थोड़ा ट्रिगर कर सकता है। ये प्रॉब्लम हर किसी को नहीं होता है, 10 में से 1 या 2 लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको क्रिएटिन लेने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्रिएटिन मत लो क्योंकि हेयर गया तो फिर से नहीं ला सकते हो एंड आपका बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ या
मसल मास कम हुआ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर फॉल कम्प्लीटली जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है। अगर आपकी जेनेटिक्स में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होता है। क्रिएटिन की काफ़ी सारे टाइप्स है, पर उनमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड सबसे सस्ता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एंड आपको मैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही सजेस्ट करूँगा। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे आप कौन से क्रिएटिन यूज़ करते हो, मैं तो मसल बेस का ही क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 साल से, क्योंकि इनके ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, लैब्राडोर सर्टिफाइड है, हैवी मेटल के लिए टेस्टेड है, एंड इसमें आपको 100% क्रिएटिन ही मिलता है। तो मैं आपको भी यही क्रिएटिन सजेस्ट करूंगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप कूपन कोड धनुष एमबी यूज कर सकते हो, जिससे आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। आपके कुछ क्रिएटिन के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देकर जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर।